बोलने वाला हेलो शिवो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ आज का व्लॉग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। हम यहाँ बिल्कुल रेडी शेडी हो गए हैं और आज का व्लॉग आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं और जा रहे हैं हम आज कहाँ पे, और बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं। और आज है जी बच्चों के स्कूल में फन फेयर, तो जी आज स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं क्योंकि बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और जी तो हम स्कूल में पहुंच गए हैं, जितना मुझे लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं लेकिन हम लेट तो नहीं हुए, पहली बार हम जल्दी पहुंच गए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग इतने ज़्यादा नहीं आए थे लेकिन इस बार हम फर्स्ट टाइम पहली बार थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेला यहाँ स्टार्ट होने वाला था और हम कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं कभी, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी अभी झूले यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि झूलों की तरफ कोई आया नहीं है, और अभी हमारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें जी सब अपनी अपनी मौज मस्ती में गुम घूम रहे हैं, अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ, इतना रश नहीं हुआ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। और मेरे बच्चा पार्टी भी इधर किधर घूम रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, शिवोन को तो बहुत पसंद है मेरे साथ। और यहाँ मुझे भी शर्म ही आ गई, कहती है मम्मा आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। इसके लिए मैंने कहा थैंक यू जी, और मुझे ज़रा सा शाय फील हो रहा था। और फिर हम यहाँ पे देख रहे थे कि कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, इतनी सारी राइड्स, और ये देखें एक झूला था जो मुझे इससे डर लग रहा था। और साथ ही शिवान की फ्रेंड्स आ गई, तो फिर हमने उनको उनकी वीडियो बनाई और उनकी हेलो है किया, और बच्चों ने बताया ये हमारी प्यारी सी मम्मी हैं। और बाकी यहाँ पे साइड पे सारे फूड के स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ बैठ के आराम से हम सब कुछ ना कुछ खा सकते थे, लेकिन ऐसे हुआ मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो फिर मैंने कुछ वहाँ पे बैठ के खा लिया। और ये जो राइड थी मेरी फेवरेट राइड है, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। लास्ट ईयर जब हुआ था एक बार, पहले फन फेयर हुआ था तब भी हमें, मुझे ये सबसे बेस्ट राइड लगी थी। और फिर जब शाइन को कुछ खाना था तो मैं उसको लेके यहाँ आई और उसको मार्शमेलो, चॉकलेट मार्शमेलो, यहाँ पे वो स्टॉल्स लगाते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो शाइन को बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ शिकायना आ गई हमें ढूंढती ढूंढती कि मम्मा मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं आई, तो फिर मैंने कहा चलें जी फिर शाइन को एक और झूला दिलाते हैं, उसको ये वाली राइड भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, उसको तो भाई सारी राइड्स अच्छी लगती हैं, वो तो क्या कहते हैं राइड्स लवर बोल दें शाइन को ना। शाइन हमारा बच्चा जो है ना, वो बस एक अलग ही हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में आया है। तो चलो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ ही खुशियाँ हैं। हालाँकि मेरे पास बिल्कुल आजकल टाइम नहीं था बाहर निकलने का, लेकिन इनकी खुशी के लिए, खासकर शिवान की खुशी के लिए मुझे स्कूल इनके साथ आना पड़ा, वरना ये वैन में भी आ सकते थे। फिर मैं इनके लिए आई और शाइन तो उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड तो शाइन हो रही थी ना बाहर आने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ बच्चे देखे कितना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी ये लोग, मैं इनको देखा तो ये दूसरे वाले बोर्ड पे बैठे हुए थे, शिवान को ये बोर्ड बहुत पसंद है, ये वाली बल्कि छोटी है, इसको इससे बड़ी वाली बोर्ड भी बहुत इसकी फेवरेट है। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, फ्रेंड के साथ, और ये जैनी फ्रेंड है, ये हमारे साथ गई हुई थी, शिवान की फ्रेंड है, तो इसलिए ये हम इसको साथ लेके गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये दोनों बल्कि क्या, ये शनाइडा भी आ गई थी, तीनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे, इनको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके।
और यहाँ पे पुलिस भी आई हुई थी गाइस, हम आपको क्या बताएं। ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो कोई फाइट वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बच्चों को, बच्चों की सेफ्टी के लिए पूरी पुलिस की गाड़ी को बुलाया हुआ था। और शाइन और मैं शेयर करके आइसक्रीम भी खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फॉलो करें, और उससे भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारा आज का व्लॉग इससे ये है कि बस बाहर बच्चे बच्चों के साथ निकले हुए थे, तो मैंने कहा हम छोटे मोटे यूट्यूबर जो हैं क्यों ना आज यहाँ पे सारा दिखाएं कि कितना ज़बरदस्त बच्चों के लिए उन्होंने फन फेयर यहाँ पे हो रहा है। तो बाकी बहुत रश हो गया था अभी, और कुछ कुछ ये था कि बच्चे खड़े थे यहाँ वेट कर रहे थे, और मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त लगा था, ये फ़ोटो फ्रेम्स थे उन्होंने बनाए हुए, यहाँ पर पिक्चर हमने क्लिक की, फिर मैंने अपनी फेवरेट राइड लेने के लिए मैं आ गई। और बच्चे कह रहे थे हमें तो भाई शर्म आ रही है, मैंने कहा भाई नहीं हमें नहीं आ रही, क्योंकि शाइन खुश है तो मम्मा खुश है। तो फिर हमने ये वाली राइड भी ली, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, मैंने तो बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा। और फिर ये देखिए मैंने उसकी पूरी नीचे उतरे, तो फिर मैंने कहा चले जी इसकी फुल टाइम इसकी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे ये वाली राइड देख के अपना गाँव बहुत याद आता है, क्योंकि हमारे गाँव की तो बहारें ही अलग है ना, शहरों की बहार का और होता है और बाहर कराची का और हिसाब है। और यहाँ शाम हो गई थी और अब हो गया था हमारे जाने का टाइम, तो यहाँ पे सेंटा देखें बच्चों के साथ ज़रा खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और सेंटा तो बहुत ही क्यूट थे, बहुत हेल्दी और बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। सो फ्रेंड्स, अभी हमें पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे टोकन के बगैर कुछ नहीं मिल रहा था। पहले टोकन खरीदो फिर शॉप पे जाओ, अलग से टोकन लेने पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा था। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, हालांकि मैं इनको कह भी रही थी कि कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं साथ, लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं 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 हम कुछ नहीं उठाएंगे, आप शाइन को देखोगे या चीज़ें देखोगे। फिर मैंने कुछ नहीं लिया। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पहले टोकन लो फिर खाने की कोई चीज़ लो, तो वो मुझे बड़ा ही मुश्किल लगा। फिर ऐसा हुआ कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, और ये देखें जी पुलिस की गाड़ी आ गई थी, तो मैंने कहा इनकी भी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ये बच्चों को पहले इनवाइट किया गया था और अब इनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब फन फेयर का खात्मा हो चुका है, हम सब ने बहुत इन्जॉय कर लिया है और यहाँ काफ़ी लोग चले भी गए हैं। और हमारे बच्चे हैं कि झूले से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, और पुलिस वाले की गाड़ी जो थी, पुलिस वालों की गाड़ी जो थी, वो भाई फुल टाइम सीटियाँ मार रहे थे कि चले भाई बाहर निकल रहे हैं, अब बस ख़त्म हो गया, इतना इन्जॉय करना था। तो चलो जी फिर गाइज, आज का व्लॉग आपको अगर पसंद आया तो हमारे व्लॉग को ज़रूर, हमारे व्लॉग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बैठ के कुछ खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खाना यहाँ पे जो भी था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत यमी था, बहुत सफाई थी। और पुलिस की गाड़ी दोबारा आ गई थी और हमारे बच्चों को यहाँ से उन्होंने भगाया, फिर हम आ गए।